हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीकेंड का ज्ञान। एंड आज का है अपना सीजन वन एपिसोड नंबर 5। आज हमारे बिल्डिंग में शायद कुछ फंक्शन है, तो मे बी आपको इधर उधर की थोड़ा बैकग्राउंड स्कोर के साथ आपको ये सेशन एंजॉय करने को मिलने वाला है शायद। ओके, बट लेट अस ट्राई टू फोकस ऑन द मेन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज अबाउट मार्केट कैपिटलाइजेशन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन शेयर मार्केट। So if you go about the main definition, so it's a pretty big definition about market capitalization. But there are two major terms which come up in this definition. The very first term which comes up is current share price, and the second term which comes up is outstanding stocks. Okay, let us understand the relevance of these two terms. See, outstanding stocks means what? It simply means the number of shares which the company has issued till date. So why a company would issue shares? For that, there could be a variety of reasons. Maybe company wants to come up with some expansion plan, or maybe company wants to repay its debts. अब ये company को अगर ये सब चीज़ें करनी है तो how they can raise funds? So बहुत simple process होता है, the company will have to come up with an IPO. Okay, तो IPO कैसे निकाला जाता है, क्या होता है IPO, इसके ऊपर मैंने already एक episode cover किया है, you can please go and watch that episode. I'll try to put up the link in the description box as well. So ये IPO लेके आएगी कोई भी कंपनी, एंड एक बार IPO लेके आएगी तो ढेर सारा पैसा कंपनी जमा कर पाएगी। बदले में कंपनी देती क्या है, जिन्होंने भी पैसे दिए कंपनी में, जिन्होंने भी पैसे लगाए कंपनी में, उन लोगों को क्या मिलता है, उन लोगों को मिलता है शेयर या स्टॉक्स। सो ऐसे जितने भी शेयर्स इशूड है, जितने भी स्टॉक्स इशूड है, वी कॉल देम एज आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स और आउटस्टैंडिंग शेयर्स। We also know that there is something known as the current share price, which will be generally different from the face value of the share. So face value of the share kya hota hai, ye bhi maine IPO wale video mein cover kiya hai. Current market price is the current share price is nothing but the current market price. Ab agar main aapko ek simple example dena chahu market capitalization ka, just check this out. Let us say company has raised funds and it has issued total 20 million shares. ओके, सो 20 मिलियन शेयर्स इज अ बिग नंबर। इतने शेयर्स इन्होंने इशू किए हैं, एंड व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, इट इज 100। सो अगर आपको इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है तो इट विल बी एज सिंपल एज 20 मिलियन शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 पर शेयर। सो अपने को इसका अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 2000 मिलियन, ये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। ओके, सो मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल मीनिंग अगर आप जानना चाहते हो तो जितने भी शेयर्स कंपनी के हैं मल्टीप्लाइड बाय द करंट मार्केट प्राइस, सो इट कुड बी एज गुड एज द मार्केट वर्थ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। ओके, अब ऐसे मार्केट कैपिटलाइजेशन टर्म तो समझ में आ रही है, लेकिन ऐसे कौन कौन सी कंपनीज है जिनका बहुत ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, लेट अस हैव अ लुक एट दैट। अगर आप ये बड़े बड़े नाम देखेंगे, TCS है, Reliance है, HDFC बैंक, आई एम श्योर यू नो अबाउट ऑल दीज नेम्स, जस्ट चेक आउट देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट्स 7.5 लाख करोड़ रुपीज। सो अब ये 7.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन आया कहाँ से होगा, अगर आपको इनके नंबर ऑफ शेयर्स पता करने होंगे। सो नाउ वी डू इट इन द रिवर्स कैलकुलेशन, दिस लाइक 8 स्टैंडर्ड मैथ। सो 7.5 लाख इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इनका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1977, ये अपने को डिवाइजर में लेना पड़ेगा। सो 7.5 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 1977 अगर आप करोगे तो ये आपको नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ TCS आपको बता देगा। सो ऐसे ये जो मैंने लिस्ट आपको आपके सामने रखे, दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम मनी कंट्रोल, सो दे कीप ऑन पब्लिशिंग दिस डेटा। ऐसे कौन कौन से टॉप 9 टॉप 10 कंपनीज है which are best in market capitalization. So right now, Friday ke position ke hisab se, TCS is the market leader for market capitalization. But please friends, understand it keeps on changing. Friday tak TCS tha, shayad Reliance take over kar lega. Because agar aapne dekha to gap bahut zyada badi nahi hai, 757 versus 745. Of course, I understand it's rupees lakh crore. It is a big difference. But ye definitely upar neche hota rehta hai. Kabhi Reliance top pe hota hai, kabhi TCS top pe hota hai. तो ये चेंज क्यों होते रहता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, फॉर अ सिंपल रीजन, लास्ट ट्रेडेड प्राइस चेंज होगा, मार्केट प्राइस चेंज होगा,
नंबर ऑफ शेयर्स जनरली चेंज नहीं होंगे, ओके, अनलेस एंड अंटिल कंपनी इशूज फ्रेश शेयर्स और बाइज बैक सर्टेन शेयर्स, राइट? सो लास्ट ट्रेड प्राइस जरूर चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज होगा. आई एम श्योर अभी तक भी आपको ऐसे लग रहा होगा, यार मार्केट कैपिटलाइजेशन ये टर्म नहीं है, वी आर नॉट श्योर हमने इसके बारे में कभी पहले सुना है या नहीं सुना है. बट नाउ व्हेन आई टेक यू टू न्यू स्लाइड, जिसमें तीन टर्मिनोलॉजीज आते हैं, आई एम श्योर ये तो आपने पक्का सुने होंगे, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स. कैप इज नथिंग बट अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलाइजेशन. सो जो अभी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तीन कैटेगरीज हम बनाते हैं, एक लार्ज कैप वाली कंपनीज, एक मिड कैप वाली कंपनीज, एक स्मॉल कैप वाली कंपनीज. जिनका भी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ या ज़्यादा होता है, दे विल बी टर्म्ड एज लार्ज कैप कंपनीज. Now you will understand that 20,000 crore is a very chiller amount for TCS, because if I go back to the screen, previous screen, आप देखेंगे तो ये तो 7.5 लाख करोड़ का है, right? And हम यहाँ पे limit कितने की बोल रहे हैं, 20,000 crores की बोल रहे हैं. अगर आप 9th position की company देखेंगे तो भी it is 2.6 lakh crores of market capitalization, which is SBI. And यहाँ पे minimum limit कितना रखा है, 20,000 crores का रखा है. इसके ऊपर कोई भी company है तो ये large cap company कहलाई जाएगी. काफ़ी लोग इसको ब्लू चिप कंपनीज भी बोलते हैं. दीज आर जनरली वेल सेटल्ड कंपनीज. सो भले ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो ज़्यादा, बट आई एम श्योर ये सभी कंपनीज के नाम तो आपने पक्के सुने होंगे, राइट? सो ऑल दीज आर वेल एस्टेब्लिश कंपनीज, रिनाउंड कंपनीज. इनको हम लार्ज कैप कंपनीज बोलेंगे बिकॉज इनका मार्केट कैप 20,000 crores और मोर है. मिड कैप्स विल बी इन द रेंज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 5,000 crore टू 20,000 crore, वेर एज स्मॉल कैप्स विल बी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ लेस देन 5,000 crores. फ्रेंड्स प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये पूरा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो रेंज है ये चेंज होते रहता है. सो राइट नाउ वी से दैट 5,000 crore कंपनी इज़ अ स्मॉल कैप कंपनी, बट मे बी इन अ मैटर ऑफ 3-4 years दैट माइट बी कमिंग इन द रेंज ऑफ मिड कैप कंपनीज एज वेल. फिलहाल ये रेंज है, 2018 के जो डेटा मैंने कलेक्ट किया उसमें यही रेंज अपने को देखने को मिलेगी, ओके. अब कोई लार्ज कैप कंपनी है ये तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया. लेट अस से अभी तक जितनी भी कंपनीज हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी ये सभी लार्ज कैप कंपनीज है. इसका मेरे ऊपर एज एन इन्वेस्टर क्या इम्पैक्ट आता है, लेट अस अंडरस्टैंड. एज एन इन्वेस्टर व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कंसेप्ट. इट इज़ ऑलवेज सेड दैट रिस्क एंड रिटर्न आर द टू पैरामीटर्स ऑफ एनी इन्वेस्टर वेन एवर ही इन्वेस्ट इन टू एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट. सिंपल सी बात होती है, जहाँ पे भी रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे रिस्क कम होता है वहाँ पे रिटर्न मिलने के चांसेस कम होते हैं. अब लॉजिकली सोचो, ये जितनी भी कंपनीज है लार्ज कैप वाली, क्या ये वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है? आपने सभी ने इनके नाम सुने हैं. सो यहाँ पे रिस्क फैक्टर कंपैरेटिवली कम होगा, एंड अगर रिस्क फैक्टर कंपैरेटिवली कम है तो इनके ऊपर के रिटर्न्स भी कंपैरेटिवली कम रहेंगे. सो इफ यू गो बाय दिस थंब रूल, आइडियली सभी अपने रिटर्न्स लार्ज कैप्स के इसी क्राइटेरिया में फिट होने चाहिए कि रिस्क कम है रिटर्न भी कम आएगा. सो लेट अस चेक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. पिछले 4 साल का डेटा मैंने एक आपको कंपनी के लिए लाया है, ये देखो, हीरो मोटोकॉर्प. आई एम श्योर यू नो अबाउट दिस, इट्स अ टू व्हीलर सेगमेंट कंपनी. 2014 इट्स शेयर प्राइस वॉज अराउंड 2,600 रुपीज, एंड अभी फ्राइडे को, आई गेस फ्राइडे इज 3 तारीख, 3 अगस्त 2018, इसका करंट मार्केट प्राइस वॉज 3,250. हार्डली कुछ रिटर्न आया इस पर, बेयरली ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो रफली 10%, नॉट इवन दैट मच इन फैक्ट ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस, राइट? तो ये लो रिस्क वाली कंपनी लगती है, लो रिटर्न्स भी दे रही है. अभी तक तो अपना फंडा पक्का बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें. बट यही फंडा हर बार चलेगा क्या? तो नॉट नेसेसरी. कोई कोई लार्ज कैप ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करे, एंड इसी का क्लासिक एग्जाम्पल इज मारुति सुजुकी. 4 साल पहले इट वॉज ट्रेडिंग एट 2,600, बट इट्स करंट मार्केट प्राइस ऑन फ्राइडे वॉज 9,187. फ्रेंड्स दिस इज मोर देन 3 times, ओके, 3.5 times के आसपास ये पहुँच गया शेयर पिछले 4 सालों में. सो इट इज गिवन सच अ ह्यूज रिटर्न. तो क्या मारुति सुजुकी लार्ज कैप कंपनी नहीं है क्या? तो है. तो रिस्क तो कंपेरेटिवली कम है, बट रिटर्न थोड़े से ज़्यादा दे रही है, थोड़े से ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा दे रही है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, देर आर डेफिनेटली सम मिथ्स अबाउट द स्टॉक मार्केट, अबाउट द शेयर मार्केट. अच्छा, हम ऐसे तो नहीं बोल रहे कि ये सब मैंने अभी जो आपको रिस्क रिटर्न फंडा बताया गलत है, बिल्कुल नहीं. रिस्क रिटर्न फंडा तो बिल्कुल सही है, बट नाउ द क्वेस्ट रिमेन्स इज दैट कैन वी सर्च सम इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज इन द शेयर मार्केट वेयर द रिस्क कुड बी लेस
not zero, comparatively less, and comparative probability of gaining the returns would be on a little bit higher side. ऐसे कुछ हो सकता है क्या? तो yes, why not? यही सभी लोग समझने से इनकार करते हैं. एंड पीपल से नहीं 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 शेयर मार्केट में तो पैसा मिलता ही नहीं है, ये तो सट्टा है. देर आर सो मैनी मिथ्स अबाउट द स्टॉक मार्केट. मैंने आपके सामने ही दोनों एग्जाम्पल रखे हैं. देखो, ये लार्ज कैप कंपनी होते हुए भी इतना बढ़िया रिटर्न इन्होंने दिया है, इस कंपनी ने दिया है. एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो आई फील दिस कंपनी कुड गिव अ गुड रिटर्न इन अनदर 3-4 years ऑल्सो. तो ये जो आपके दिमाग में कोई मिथ्स है अबाउट स्टॉक मार्केट की, ये सट्टा है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, दिस इज़ नॉट करेक्ट एट ऑल. टू सम एक्सटेंट पीपल मे से येस, टू सम एक्सटेंट इवन आई सम डेज आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ मार्केट गोइंग अप और डाउन, बट आई फील देर आर सम बेसिक फंडामेंटल्स विच यू मस्ट नो अबाउट द स्टॉक मार्केट. एंड इसीलिए मैंने सोचा कि जितने भी लाइव यूट्यूब सेशंस मैंने लिए, बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, तो वाई नॉट टेक अ लाइव सेशन फेस टू फेस इन पुणे इटसेल्फ. तो मैंने सोचा एक बेहतर दिन होना चाहिए उसके लिए जब मैं लाइव फेस टू फेस आऊँगी. एंड आई थॉट वॉट बेटर डे इट कुड बी देन अवर इंडिपेंडेंस डे. तो मैंने थीम रखी कि ऑन दिस इंडिपेंडेंस डे लेट अस टेक वन स्टेप टूवर्ड्स बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड लेट अस ट्राई एंड बस्ट द मिथ्स ऑफ अवर इंडियन शेयर मार्केट. इसके लिए मैंने क्या किया है बताती हूँ. बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये फ्री सेशन होने वाला है. ओके, डोंट फील दैट इमीडिएटली इसमें कुछ पेड वगैरह कुछ एलिमेंट आएगा या फिर उधर आने के बाद कुछ पेमेंट करने के लिए बोलेंगे. नहीं नहीं नहीं, इंडिपेंडेंस डे के यू नो ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे आई थॉट ऑफ टेकिंग दिस सेशन फॉर बिकमिंग और टेकिंग जस्ट वन स्टेप क्लोजर टू एटलीस्ट ब्रिंगिंग द थॉट प्रोसेस ऑफ बींग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. सो इसके लिए मैंने जस्ट एक 1 hour सेशन रखा है, 10:30 AM टू 11:30 AM. देर आर ओनली 30 seats विच आर अवेलेबल फ्रेंड्स. सो अगर आपको आने की इच्छा है तो प्लीज़ प्री रजिस्टर, आपको प्री रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा. जो एक गूगल फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, इफ़ यू वॉन्ट टू कम टू द सेशन यू विल हैव टू फिल अप अ गूगल फॉर्म. एंड ये गूगल फॉर्म की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ. अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आता है ये ओपन करने के लिए, तो इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आएंगे उस कमेंट में भी मैं खुद एक कमेंट करने वाली हूँ जिसमें गूगल फॉर्म का ये लिंक मिलेगा आपको. ओके, वाई ओनली 30 seats, पर्सनल अटेंशन होगा क्या, ये वो बहुत सारे सवाल. सही जवाब यह है कि हमारा क्लासरूम इतना बड़ा है नहीं, क्लासरूम इतना ही है कि जिसमें 30 people कैन सिट कम्फर्टेबली, राइट. सो इफ यू वॉन्ट टू टेक द फुल बेनिफिट ऑफ दिस सेशन आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू प्री रजिस्टर. एक बार 30 seats हो गए, वी वांट टू क्लोज इट डाउन. फ्री सेशन है तो आई फील एवरी वन शुड टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट. सेशन किधर है तो ऑफकोर्स इट इज़ इन पुणे, एंड पुणे में एक एरन वाने करके एरिया है, इट्स प्रीटी फेमस नियर नॉल स्टॉप. एंड एरन वाने के यहाँ पे पुणे के लोग तो बड़े फूडी होते हैं, तो इनको अभिषेक वेज होटल तो बिल्कुल पता होगा जो पुणे के है. इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक लेन जाती है, एंड उस लेन में आप जाएंगे तो राइट से सेकंड बिल्डिंग में आता है ये. सेकंड बिल्डिंग में ऐसे आपको पीछे के साइड से एंट्रेंस है, एंड यू विल हैव टू कम टू द फर्स्ट फ्लोर एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल. मुझे बहुत इंतज़ार रहेगा आपका कि आप भी एक सेशन के लिए आएंगे वेर इन आई विल ट्राई टू क्लियर सम बेसिक्स अबाउट स्टॉक मार्केट एंड बेसिकली सम मिथ्स विच आर देयर अबाउट स्टॉक मार्केट. ये सब दूर हटाने की कोशिश करूँगी. And I hope I'll be able to add some value to your knowledge on Independence Day. So let's make this a good success. I appeal everyone to fill up the Google form and come there in good numbers. So yes, that's it from my side. And thanks for watching Weekend Ka Gyan. Share this video with as many number of friends as you can. Agar aapko ye in knowledgeable laga, kuch value addition aapko de raha hai aise laga, to zarur share kijiye. और क्या बोलते हैं, लाइक दबाइए और जो कुछ भी है, राइट, प्रेस द बेल आइकन, राइट. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.